क्या आपके पेट में भी गैस बनती है? आप एसिडिटी से बहुत ज्यादा परेशान हो? क्या आपको भी स्टूल बनकर नहीं आता? जो कब्ज है वो हर समय बनी रहती है। बदहजमी और कमजोर पाचन तंत्र की वजह से आपको भूख नहीं लगती। कुछ भी खाते हो तो पेट फूल जाता है, एसिडिटी बनती है। दोस्तों, इलाज तो आपको इसका करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर यही बीमारियां और बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप जंडू पंचारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको सारी समस्याओं से बहुत जल्द और लंबे समय के लिए आराम देगा। दोस्तों, आजकल आप अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखते हो, लेकिन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखो, खाने पीने से हमारा शरीर चलता है। अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तो ऐसी बीमारियां निश्चित हैं। पर दोस्तों, घबराएं नहीं, आपकी सभी बीमारियों का हल जंडू पंचारिष्ट जरूर करेगा। दोस्तों, जंडू पंचारिष्ट लेने का तरीका है, 80% लोगों को ये तरीका नहीं पता, और जब वो इसे लेते हैं तो उनको पूरा फायदा नहीं होता। तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल देता हूँ, कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, किन किन बीमारियों के लिए ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये है जंडू पंचारिष्ट, जो कि आपके पेट की हर एक बीमारी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉनिक है। इसका थोड़े लगातार इस्तेमाल करने से ही आपको दिनों में फर्क पड़ जाता है। आजकल बहुत सारे लोगों को पेट की समस्या होती है, जैसे कि हमारा खाना नहीं पचता, कब्ज की समस्या होनी, पेट का फूलना, मतलब जो ट्रैप्ड गैस होती है वो हमारे पेट के अंदर फंस जाती है, उसको ये रिकवर करता है, बहुत जल्दी ठीक करता है। तो यहाँ पर लिखा है जंडू पंचारिष्ट आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव टॉनिक। ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये रिपेयर करता है, ठीक करता है। जहाँ जहाँ पर भी हमारे समस्या है पेट में, उसको ये ठीक करेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव केयर, मतलब हमारे पेट की जितनी समस्या है, आप इसका सेवन करना शुरू कर दो, आपके पेट की सारी समस्या अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जंडू पंचारिष्ट पता क्या करता है? हमारे जो शरीर में पाचन तंत्र के ना 7 केंद्र होते हैं, उन्हीं 7 केंद्रों के ऊपर हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण हमें पेट गैस, कब्ज, पेट में दर्द, ऐसी समस्या आती है ना। तो 7 केंद्रों के ऊपर ये अपना काम करता है। जैसे जैसे आप इसका सेवन करोगे, आपकी समस्या खत्म होती जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि रिलीफ फ्रॉम रेगुलर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। अब खाने के संबंधी हमें तो सारी यही समस्याएं आती है ना। हमें भी हमारे चैनल के ऊपर जितने कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि हमारा पेट फूलता है, हमारे पेट के ऊपर दकदक होता है, पेट में दर्द रहता है, हमें कब्ज रहती है, हमारा खाना पीना नहीं पचता। तो 7 केंद्रों के ऊपर जो अपना काम करेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, क्योंकि यहां पर हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि वर्क्स एट द रूट। दोस्तों, ये जड़ के ऊपर काम करता है, हमारी जो डाइजेस्टिव इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है और हमें भूख लगना शुरू हो जाता है। देखो, अगर आपको कब्ज रहेगी, लंबा समय रहेगी, तो आपकी भूख मर जाएगी, आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। इसलिए हमारा सुबह सुबह पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर पीछे लिखा है कि जंडू पंचारिष्ट एक संपूर्ण आयुर्वेदिक पाचक है। दोस्तों, इसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जो आपके लिए नुकसानदायक हो। इन्होंने बताया है कि इसमें इन्होंने 35 तरह की चीजें डाली हुई हैं, जो कि हमारे 7 पाचन केंद्रों के ऊपर काम करता है। आपकी जो पाचन की क्षमता है उसको बढ़ाता है। बार बार होने वाले पेट की तकलीफों जैसे एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पेट का फूलना और कब्ज में जड़ पर काम करता है और लंबे समय तक करता है। ये नहीं है कि आप जब तक इसका इस्तेमाल करोगे तब तक ही ये असर करेगा। दोस्तों, ये लंबे समय तक असर करता है, क्योंकि इसमें सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं। इसके बाद देखिए, इन्होंने बताया है कि घृत कुमारी, जैसे एलोवेरा हो गया, अजवाइन हो गया, त्रिफला हो गया और लौंग जैसी चीजें इसमें डाली हुई हैं। यहाँ पर उसके फायदे भी बताए हुए हैं, जैसे कि जो एलोवेरा होती है वो पाचन को सुधारता है, जो द्राक्षा होता है एसिडिटी को दूर करता है, अजवाइन जो है गैस में आराम देता है, जो त्रिफला होता है वो कब्ज को दूर करता है, जो लौंग होते हैं वो हमारे पाचन को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो ₹150 है, 150 है, जो कि हमें 450 ml मिलता है।
लेकिन अगर आप ऑफलाइन इसे लोगे तो आपको 135 या 40 रुपए का पड़ जाएगा। दोस्तों इसको लेने का तरीका जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पता क्या होता है, यहाँ पर हम इसको पढ़ते नहीं है कि इसको लेने का तरीका क्या बताया है, हम अपने मुताबिक लेते हैं जिससे हमें पूरा फायदा नहीं होता। तो हम इसको किस तरीके से लें जो हमें पूरा फायदा हो और पेट की जितनी समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाएं। दोस्तों ये वाला ढक्कन आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए 15 ml और 30 ml है। इस वाले ढक्कन को हमने दिन में 2 बार पीना है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये जो ढक्कन है वो सीधा पी जाते हैं, ये हमने सीधा नहीं पीना। मान लो आपने 30 ml ये ढक्कन लिया है तो इतना ही आपने पानी लेना है और उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसका सेवन करना है। दिन में 2 बार ऐसे ढक्कन लेने हैं। अगर आप ढक्कन से नहीं लेना चाहते तो आप 2 बड़े चम्मच जो कि 15 ml के हो वो ले सकते हो, वो भी हमने दिन में 2 बार लेने हैं। अब हमें पीने का तरीका तो पता चल गया, लेकिन ये हमने कब लेने हैं? दोस्तों दिन में 2 बार सुबह और शाम, ठीक है, खाना खाने के बाद रोजाना लेने हैं। क्योंकि जो भी हमारे पेट में समस्या होती है वो खाना खाने के बाद ही होती है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि हमारा खाना पीना अच्छी तरह से पचता ही नहीं है, सड़ता नहीं है। तो उन्हीं सारी समस्याओं को दूर करेगा जंडू पंचारिष्ट। दोस्तों अगर आप इस टॉनिक के लिए कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट और चैनल हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें।